गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन दोनों देशों के रिश्तों में एक बर्फ सी जम गई थी। भारत और चीन के बीच 2020 से ही कई मोर्चों पर तनातनी जारी थी, लेकिन फिर एक ऐसा ऐतिहासिक अहम समझौता हुआ जिसने दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा पर कई इलाकों में सैनिकों को पीछे हटाने और साझा गश्त को लेकर सहमति बनी है। इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। इसके बावजूद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को सैन्य नेतृत्व से तेजी से उभरते भू राजनीतिक खतरों और अवसरों के लिए तैयार रहने को आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी ढंग से मजबूत करने के लिए सरकार के सभी तंत्रों के अधिक समग्र दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जयशंकर ने सैन्य कमांडर सम्मेलन 2024 के दूसरे चरण के समापन दिवस पर दिए गए संबोधन में ये टिप्पणी की। इस सम्मेलन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों और भीतरी इलाकों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब भारत और चीन के बीच बनी एक अहम सहमति के तहत पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले दो बिंदुओं डेमचोक और डेमसांग से सैनिकों की वापसी अंतिम चरण में है। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज दिल्ली में सैन्य कमांडर सम्मेलन को संबोधित करके खुशी हो रही है। मौजूदा भू राजनीतिक जटिलताओं, चुनौतियों, संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी ढंग से मजबूत करने के लिए सरकार के सभी तंत्रों के अधिक समग्र दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन में तत्परता और अनुकूलनशीलता के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है, क्योंकि वरिष्ठ नेतृत्व ने मौजूदा परिवर्तनकारी पहलों में तेजी लाने और विभिन्न राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देने का संकल्प लिया है। साथ ही जयशंकर ने भारतीय सेना को सतर्क रहने के लिए भी कहा है और सैन्य नेतृत्व से तेजी से उभरते भू राजनीतिक खतरों और अवसरों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्री ने भारत की रणनीतिक स्थिति को आकार देने में तकनीकी प्रगति और विश्व में जारी संघर्षों से सीखे गए सबक के महत्व को रेखांकित किया। उधर रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भी अपना संबोधन दिया और उन्होंने संयुक्त कमांडर सम्मेलन की सफलता का जिक्र किया।